नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ घरेलू उपचार। दोस्तों, दांत का दर्द बहुत ही कष्टदायक होता है, जिसे सहन करना व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और दांत दर्द के कारण व्यक्ति की रातों की नींद तक उड़ जाती है। वैसे तो दांत दर्द होने के बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं, जैसे दांतों की ठीक तरह से सफाई ना करना, दांतों का सड़ जाना, दांतों में कीड़ा लग जाना, मुँह में बैक्टीरिया हो जाना, दांत का निकलना या फिर मसूड़े से जुड़ी कोई भी बीमारी और जबड़े का विकार आदि। इसके अलावा दांतों में दर्द तब भी होता है जब दांत के बीच की जगह, जिसे पल्स कहा जाता है, वो सूजने लगती है, जिसके कारण दांत में तेज दर्द होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कारगर नुस्खा बताने वाला हूँ, जिससे एक दो मिनट में ही आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपको इसे कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज लेनी है फिटकरी। फिटकरी किराना की दुकान से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, फिटकरी दांत दर्द को दूर करने के लिए एक औषधि की तरह काम करती है, क्योंकि फिटकरी बैक्टीरियल होती है, जिस कारण यह दांतों में होने वाले सभी जीवाणुओं व बैक्टीरिया को मार देती है, जिससे कि आपके दांतों का दर्द दूर हो जाता है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए थोड़ी सी फिटकरी लेकर उसे बारीक करके पीस लीजिए और एक खाली कटोरी में 1/4 चम्मच के बराबर उस पीसी फिटकरी का ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप 4 से 5 लौंग लीजिए और उन्हें बारीक पीसकर इस नुस्खे में ऐड कर लीजिए। लौंग दांतों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए बेहद लाभदायक होती है, क्योंकि लौंग में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो दांत दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो लौंग और फिटकरी को ऐड करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करके इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और अच्छे से मिलाने के बाद आप अपने ब्रश पर इस रेमेडी को लेकर जहाँ पर भी आपके दांतों में दर्द हो रहा है वहाँ पर 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ब्रश करिए। ऐसा करने से आपके दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। ये बहुत ही कारगर रेमेडी है, इसलिए अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आप इसे ट्राई जरूर करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। धन्यवाद।